सबसे लंबे बालों वाली परी। पृथ्वी लोक से बहुत दूर परीलोक में सभी परियां एक साथ खुशी खुशी रहती थी। उनमें से एक परी थी शेफाली परी, जिसके बाल बहुत ही काले, घने और बहुत लंबे थे। पूरे परीलोक में शेफाली जैसे बाल किसी के नहीं थे, इसलिए परीलोक की सभी परियां शेफाली परी के बालों की बहुत तारीफ करते थे। वहीं परीलोक में नैना नाम की एक परी शेफाली से बहुत जलती थी। उसे शेफाली के इतने लंबे काले घने बाल देखे नहीं जाते थे। एक दिन, शेफाली, आज तुम्हारे बाल तो और भी ज्यादा सुंदर लग रहे हैं और तुम्हारे ये बालों का हेयर स्टाइल भी बहुत अच्छा लग रहा है। तुम्हारे बाल परीलोक में सबसे सुंदर है। काश कि मेरे बाल भी तुम्हारे जैसे होते। थैंक यू सो मच मोना परी, आप सबके बाल भी बहुत अच्छे हैं। मैं बस अपने बालों की बहुत केयर करती हूँ, इसलिए मेरे बाल अच्छे हैं। अच्छा शेफाली परी, तो हमें भी तो बताओ ना कि तुम अपने बालों की कैसे केयर करती हो। अच्छा ठीक है, मैं आप सभी को बताऊंगी कि बालों की देखरेख कैसे करनी चाहिए और मैं अपने बालों को कैसे केयर करती हूँ। मैं आप सभी के साथ बहुत जल्द अपना हेयर केयर रूटीन शेयर करूंगी अपने यूट्यूब चैनल मोमो टीवी पर। तो आप सभी परियां मेरे इस मोमो टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूले। मेरे इस हेयर केयर रूटीन को अपनाकर आपके बाल भी मेरी तरह बहुत खूबसूरत और लंबे हो जाएंगे। थैंक यू सो मच शेफाली परी, सच में तुम बहुत अच्छी हो और तुम्हारे बालों की तारीफ में क्या ही कहना। तभी नैना परी बोल पड़ती है, उसकी कोई जरूरत नहीं है और तुम्हारे बाल इतने भी कोई अच्छे नहीं हैं। ना जाने क्यों सबको तुम्हारे बाल इतने अच्छे क्यों लगते हैं, मुझे तो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। तुमसे अच्छे बाल तो मेरे हैं, तो तुम्हें इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। नैना परी, तुम शेफाली परी से हमेशा इस तरह से बात क्यों करती हो? परीलोक में सबसे अच्छे बाल शेफाली के हैं, तुम चाहो मानो या ना मानो। शेफाली, तुम इसके बातों का बिल्कुल भी बुरा मत मानना, तुम्हारे बाल बहुत अच्छे हैं और तुम बहुत जल्द अपना हेयर केयर रूटीन अपने चैनल पर डालना। हम सभी परियों को तुम्हारे वीडियो का इंतजार रहेगा। नहीं नहीं, मुझे नैना की बातों का बिल्कुल बुरा नहीं लगा, मैं जानती हूँ कि मेरे बाल बहुत अच्छे हैं। चलो दोस्तों, अब मैं चलती हूँ। इतना बोलकर शेफाली परी वहाँ से चली जाती है। बढ़िया ही अच्छे बालों वाली, ना जाने खुद को क्या समझती है। बाकी की परियां तो है ही पागल, जो उनको इस शेफाली के बाल पसंद है। बस अब बहुत हो गया, अब और नहीं। आज तो मैं शेफाली को अच्छा सबक सिखाऊंगी, जिसके बाद वो कभी भी अपने बालों का दिखावा नहीं करेगी। बढ़िया ही अपना हेयर केयर रूटीन शेयर करने वाली। इतना बोलकर नैना परी चुपके से रात को शेफाली के घर जाती है और उसके शैम्पू को अपने इस केमिकल वाले शैम्पू से बदल देती है। अब जब शेफाली इस केमिकल वाले शैम्पू से अपने बाल धोएगी, तो उसके बाल बिल्कुल भी अच्छे नहीं रहेंगे। उसके सारे बाल झड़ जाएंगे और ना बाकी की परियां उसके बालों की तारीफ करेगी। वो टकली हो जाएगी टकली। बहुत मजा आएगा उस टकली को चढ़ाने में। आज से सबको मालूम पड़ जाएगा कि किसके बाल सबसे अच्छे हैं। अब तो सब मेरे ही बालों की तारीफ करेंगे। चलो, मेरा काम तो हो गया, अब मुझे जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। नैना परी जल्दी से वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह जब शेफाली परी सोकर उठती है, अरे ये शैम्पू यहाँ किसने रख दिया, इसमें से तो खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। लगता है शायद मैंने ही यहाँ रख कर भूल गई होंगी। ये कितना अच्छा शैम्पू है, मैं इसे अभी अपने बाल को धोती हूँ, जिससे मेरे बाल और सुंदर हो जाएंगे। इतना बोलकर शेफाली परी उस शैम्पू से अपने बाल को धो लेती है और जब वो बाथरूम से नहा कर बाहर निकलती है, तो अपने बालों को देखकर हैरान रह जाती है। अरे ये मेरे बालों को क्या हो गया,
और ये मेरे बाल इतने टूट क्यों रहे हैं? मेरे बाल बिल्कुल भी सुंदर नहीं रहे। ये सब क्या हो गया? अब मैं क्या करूं? जरूर ये सब इस शैम्पू की वजह से हुआ है, पर अब मैं इस शैम्पू को भी क्यों दोष दूं? गलती तो मेरी भी है। मुझे बिना सोचे समझे इस शैम्पू का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। मुझे रानी परी के पास जाना चाहिए। अब इसमें वही मेरी मदद कर सकती है मेरे बालों को ठीक करने में। इतना बोलकर शेफाली परी जल्दी से रानी महल पहुंचती है। रानी परी कहाँ है आप? अरे शेफाली परी, तुम यहाँ? और ये तुम्हारे बालों को क्या हुआ? तुम्हारे बाल इतने पतले बेजान झाड़ू जैसे कैसे हो गया? बताओ मुझे क्या बात है? रानी परी, मैं इसलिए तो यहाँ आई हूँ। जब मैं सोकर उठी तो मेरे रूम में एक शैम्पू रखा था जिससे मैंने अपने बालों को धो लिया, जिस वजह से मेरे बाल ऐसे हो गए। अब मेरे बाल बिल्कुल भी अच्छे नहीं रहे। रानी परी, अब आप ही कोई उपाय बताएं, अब मैं क्या करूं? शेफाली परी, तुम्हारे बाल उस शैम्पू को लगाने की वजह से ऐसे हुए हैं, और तुम्हें भी शेफाली परी, बिना सोचे समझे कोई भी प्रोडक्ट को अपने बालों में यूज नहीं करना चाहिए। खैर, अब ये सब बात की बात है, अभी सोचना ये है कि तुम्हारे कमरे में वो शैम्पू कहाँ से आया। तभी वहाँ से नैना परी गुजर रही थी। नैना परी, रुको, क्या ये सब तुमने किया है? पूरे परीलोक में सिर्फ तुम्हें ही शेफाली परी के बाल पसंद नहीं थे, और तुम ही चाहती थी ना कि कोई भी उसके बालों की तारीफ ना करे। बताओ मुझे, जवाब दो नैना परी। नहीं रानी परी, नैना परी ने ये सब नहीं किया है। भले उसे मेरे बाल पसंद नहीं थे, पर वो मेरे साथ ऐसा कभी नहीं करेगी। हम सब परियां कभी एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के बारे में नहीं सोच सकती। नैना परी दिल की बहुत अच्छी है, वो ऐसा कर ही नहीं सकती। शेफाली परी का अपने प्रति इतना आदर सम्मान और दोस्ताना देखकर नैना परी को अपनी गलती का एहसास होता है, और वो कहती है, नहीं शेफाली, रानी परी सही कह रही है, ये सब मैंने किया है। मैं नहीं चाहती थी कि कोई भी तुम्हारे बालों की तारीफ करे। मुझे ऐसा लगता था कि तुम बस हम सभी परियों को नीचा दिखाना चाहती हो, पर मैं गलत थी। अब मैं समझ गई हूँ कि ऐसा नहीं है। मुझे माफ कर दो शेफाली, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। रानी परी, प्लीज मुझे माफ कर दो। नैना, ये अच्छी बात है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ कि तुमने जो कुछ भी किया वो गलत था। नैना, मैंने भी तुम्हें माफ किया। अहंकार और गुस्से पर किसी का जोड़ नहीं चलता, इसलिए तुमने ये सब गुस्से में किया, और तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ इसलिए मैंने भी तुम्हें माफ किया। नैना परी, पर अब मेरे बालों का क्या? अब मेरे बाल तो कभी ठीक नहीं हो पाएगा। अब मेरे बाल बिल्कुल खराब हो चुके हैं। शेफाली परी, तुम दुखी मत हो, तुम परीलोक के जादुई कुंड में जाकर डुबकी लगाओ। जादुई कुंड में डुबकी लगाते ही तुम्हारे बाल पहले जैसे सुंदर, काले, घने और बहुत लंबे हो जाएंगे। ये जादुई कुंड काफी समय पहले हमारे पूर्वजों ने बनाई थी ताकि परीलोक में कोई भी मुसीबत आने पर जादुई कुंड में डुबकी लगाने पर सब ठीक हो जाएगा। अब तुम्हें देर नहीं करनी चाहिए, जाओ। जी रानी परी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया रानी परी। फिर शेफाली परी जादुई कुंड में जाकर डुबकी लगाती है और डुबकी लगाकर बाहर निकलती है। अरे वाह, मेरे बाल तो वापस पहले जैसे हो गए। वाकई मेरे बाल तो बहुत खूबसूरत है। अब मुझे रानी महल में जाकर एक बार फिर रानी परी का शुक्रिया अदा करना चाहिए। शेफाली परी एक बार फिर रानी परी का शुक्रिया अदा करती है, और अब नैना परी शेफाली परी की बहुत अच्छी दोस्त बन चुकी थी और साथ साथ हंसी खुशी रहने लगी थी। तो मेरे प्यारे दोस्तों,
कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल मोमो टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।